अर्थव्यवस्था का अर्थ हस्तक्षेप के संपादक अभिलेंदु उपाध्याय और बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एके मिश्रा के साथ। नमस्कार, हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट हैं और फॉर्चून 500 जैसी कई एमएनसीज के साथ आपको काम करने का लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है। इस कार्यक्रम में एके मिश्रा जी लगातार अपनी राय देते रहते हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग खासतौर से छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये उद्योग किस तरीके से सर्वाइव करें और किस तरीके से ये उद्योग आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम की जो हम लोगों ने संरचना की है वो इस तरीके से की है कि आप लोग देखते हैं कि जो कर्नाटक में मुख्य धारा का मीडिया है वो जो जिन मुद्दों पर चर्चा करता है उन मुद्दों से अर्थव्यवस्था का कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ चर्चा होती है कि किस तरीके से शेयर बाजार जो है वो बढ़ रहा है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है, शेयर बाजार में क्या उठा बैठा हो रही है। हम लोगों का मानना अपना ये है कि शेयर बाजार का अर्थव्यवस्था के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। शेयर बाजार एक तरीके से अलग चीज़ है और अर्थव्यवस्था जो है वो खासतौर से MSME जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं उनके ऊपर निर्भर करती है और जॉब क्रिएशन जो है वो इन छोटे और मझोले उद्योगों से हुआ करता है। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर जो है हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि COVID-19 का जिस तरीके से प्रकोप पूरी दुनिया में बढ़ा है तो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था काफ़ी श्रिंक कर रही है और जो विकसित देश कहे जाते थे वहाँ भी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी खतरे में है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमारा देश जो है वहाँ अर्थव्यवस्था पहले से ही डूब रही थी और हमारा जो छोटा और लघु उद्योग था वो पहले से ही संकट में था। अब समस्या ये है कि जो कोरोना काल जो है इसने जो है लघु उद्योगों और मझोले उद्योगों की एक तरीके से कमर तोड़ कर रखी है। लॉकडाउन में जो हुआ उसकी वजह से इस सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहली चीज़ तो एक बड़ी संख्या में श्रमिकों का पलायन हुआ और उस पलायन की वजह से भी काफ़ी नुकसान जो था वो उद्योगों को उठाना पड़ा है। दूसरा, एक लॉकडाउन के इस लंबे समय में पूंजी समाप्त हो गई उद्योगों के पास, तो किस तरीके से वो पूंजी का आगे प्रभाव, इन सारी चीज़ों पे जो है हम इस पर चर्चा करते हैं। मिश्रा जी से समझना चाहेंगे, मिश्रा जी आप इस पूरी अर्थव्यवस्था को आने वाला समय उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से हमारे लघु और मझोले उद्योग जो हैं वो इस कंपटीशन में आगे टिके रहेंगे और क्या रणनीति उनको अपनानी चाहिए कि जब इस कोरोना काल से उभर कर अर्थव्यवस्था सामने आए तब वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और तब तक किस तरीके से वो इस अर्थव्यवस्था में टिके रहें और क्या क्या उनको जो प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। चाहूंगा उसके पीछे कारण है, आजादी के बाद से जो है आप ये देखिए बातें जब भी हुई हैं, चाहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हो, पूरे देश का फोकस ये रहा है कि बड़े बड़े उद्योगों को कैसे स्थापित किया जाए। मैं ये मानता हूं कि बड़े उद्योगों का अपना रोल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो ये दैनिक अखबार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, हस्तक्षेप को मैं बधाई बोलना चाहूंगा। उसके पीछे कारण है कि बड़े बड़े लीडिंग अखबार, बड़े बड़े चैनल के जो बिजनेस सेक्शंस के जो डिबेट आते हैं या न्यूज आती है उसमें बातें आपने भी बोली, बहुत अच्छी बात बोली है। उसमें बातें होती हैं ग्लोबल सेंसेक्स मार्केट की और न्यूयॉर्क के जो है सेंसेक्स मार्केट की, लंदन के सेंसेक्स मार्केट की, इतना उछला इतना गिरा, वो सब आभासी इकोनॉमी है और आभासी जो है अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था का मतलब वही लेंगे जो रियल टाइम में एक्टिविटी मार्केट प्लेस में होती है। रियल टाइम एक्टिविटी मतलब कोई प्रोडक्ट बनना, किसी ने भी बनाया, चाहे वो एक कुम्हार ने ही क्यों ना बनाया हो और उसको मार्केट प्लेस में जाके बेचा, न कि केवल दिमाग में जो है बेच दिया कि आज सेंसेक्स 10% उछल गया, फिर ये हो गया वो हो गया। उसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड लेवल पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी चीज देखिए, जो आपने बोली इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही ये है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा इसकी संकल्पना के लिए कि कैसे ऐसे लोगों को सहयोग पहुंचाया जाए जो कि ग्राउंड जीरो पे, उद्योग के मामले में ग्राउंड जीरो पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी रियल मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो। मैं तो अगर एक हलवाई की भी छोटी सी दुकान है मैं उसको भी लघु उद्योग मानता हूँ, इसकी अभी चर्चा मैं आपको करूंगा। अच्छा, चाहे वो एक हलवाई की दुकान हो या MSME की कोई और इंडस्ट्री हो, MSME का स्कोप अगर टर्न ओवर वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा है,
इवन 500 करोड़ रुपए की कंपनी भी जो है एमएसएमई में गिनी जाती है। जो लोग जिज्ञासु हैं वो एमएसएमई की डिफिनीशन देख लें टर्नओवर के हिसाब से, कि माइक्रो किसको बोला जाता है, स्मॉल किसको बोला जाता है और मीडियम किसको बोला जाता है। तो बहुत बड़ा एक कैप है, कैप इन द सेंस कि बहुत बड़ा टर्नओवर का रेंज है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे। देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो आपने ये बोला कि कोरोना काल में लगभग बड़े उद्योगों की जो है रीढ़ की हड्डी जो है टूट गई है, लगभग बंद है, सारी बड़ी कंपनियां बंद हैं। अगर एक चीज को हटा दिया जाए, अगर गवर्नमेंट यह बाध्य न करे कि लोग अपने दुकान और ये सब न खोले, आपने एक चीज और जोड़ी यहाँ पे कि जो मजदूर थे वो लोग वापस अपने गांव चले गए हैं, अगर ऐसा न किया जाता, मजबूर न किया जाता कि आप अपने दुकानों को बंद करिए और एमएसएमई रहता, तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन नहीं होती है। लॉकडाउन वगैरह का जो है बहुत ज्यादा असर या ऐसी किसी गतिविधि का असर एमएसएमई पे नहीं होता है, उसका एक खास रीजन है। एक छोटा सा कोई उद्योग है, मैं अपने गांव के बाजार की बात करता हूँ, जहां पे कि एक हलवाई है, आप उसको उदाहरण ले लीजिए, वो आज भी मिठाइयां बना रहा है, समोसे बना रहा है और लोग खरीद रहे हैं। अगर उसका टर्नओवर 4,000 रुपए पर डे का या 1,000 रुपए पर डे का है तो वो चीज असर नहीं पड़ा है। सेक्टर वाइज भी इसको देखेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर पे असर पड़ा है, लेकिन रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दवा बनाने के जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। आपने न्यूज सुनी थी कि पार्ले जी बिस्किट का टर्नओवर बढ़ गया, उसकी डिमांड बढ़ गई। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो एमएसएमई का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बड़ी कंपनियां बंद हो सकती हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि हर बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं एमएसएमई पे डिपेंडेंट है। आप इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, नूडल बनाने की अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो आटा अगर आता होगा तो एक किसान के यहाँ से निकल करके वो आटा किसी गल्ला व्यापारी के यहाँ आता होगा जो एक छोटा उद्योगपति है, फिर वहां से निकल करके किसी फ्लोर मिल में जाता होगा जो एमएसएमई की कैटेगरी है और वहां से वो कंपनियों तक जाता होगा। एमएसएमई कभी एमएसएमई के जल्दी बंद होने के चांसेस नहीं होते हैं, बशर्ते वो टेक्नोलॉजी या कुछ अलग जो है सेक्टर ना हो, ये सेक्टर वाइज भी डिपेंड करता है। तो हर बड़े से बड़ा कारपोरेट घराना पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होता है वो एमएसएमई पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसके सारे कल पुर्जे जो होते हैं, देखिए ऑटो प्रोडक्शन लाइन में इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि छोटी से लेके बड़ी तक, रॉ मेटेरियल से लेकर के फिनिश गुड तक सभी चीजें एक ही कंपनी में बनाया जाए, इतना ज्यादा स्किल, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेस नहीं होता है। इसके लिए बड़ी कंपनियां अपने टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर, क्वालिटी नॉर्म्स के ऊपर, छोटे छोटे जो उसके बनाने वाले होते हैं एमएसएमई में जो आते हैं, उन पर्टिकुलर चीजों को बनाने वाले जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं छोटे छोटे, उनसे जॉब वर्क करवाती है। इंटीग्रेटेड एज ए होल, इंटीग्रेटेड जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों ना हो, छोटे छोटे लघु उद्योगों की मदद उनको लेनी पड़ती है। कि जैसे मान लीजिए कार हो गया, तो वाइपर में जो रबर लगता है तो वो कोई छोटा उद्योग ही बना रहा होगा, उसमें जो बल्ब लगते हैं वो कोई छोटा उद्योग बना रहा होगा जिसका टर्नओवर 50-100 करोड़ 150 करोड़ रुपए होगा। मेन जो टेक्नोलॉजी है कार इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली जो कार का इंजन होता है उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, वो पर्टिकुलरली उस कार का अपना जेन्यून जो है R&D होता है। बाकी के जो पार्ट लगते हैं, मैट्रेसेस हो गए, शीशे हो गए, मिरर्स हो गए, व्यू बैक मिरर हो गया, डेफिनेटली इसको कोई ना कोई छोटा उद्योग ही बनाता है। तो बड़े उद्योग तो डेफिनेटली बंद हो सकते हैं, एमएसएमई के बंद होने का बहुत कम जो है चांसेस होते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि हमारे बहुत सारे मजदूरों का पलायन हो गया, एमएसएमई का कॉन्सेप्ट यह है कि हर जगह छोटे शहरों में, गाँव में भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें ऐसी होती है कि वो छोटे जगहों पर भी पूरी हो जाती है। अब अगर एमएसएमई स्ट्रांग रहा होता तो शायद इन मजदूरों का पलायन नहीं होता। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी गलती की है जो कि हमें कोरोना काल में देखने को मिल रही है। हमने बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए और बहुत बड़े बड़े उद्योग मेट्रोपॉलिटन सिटी के अगल बगल ही लगाए। जैसे आप देखिए जितनी इंडस्ट्रीज है वो चेन्नई और उसके साथ दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जगहों के अगल बगल ही इर्द गिर्द जो है सेंटर्ड है, वहीं पे है। ये एक गलती ये है कि इससे पलायनवाद को जन्म मिला, यानी कि गांव से लोग, छोटे शहरों से लोग मजबूर हुए इन जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि वहां रोजगार मिलता था।
हमें मिक्स्ड वे में और बैलेंस्ड वे में चीजों को बढ़ाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री दिल्ली के अगल बगल है कार बनाने की, तो उसके पुर्जे बनाने वाले जो कल कारखाने हैं छोटे छोटे एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं, वो कोई 200 किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर दूर भी हो सकता था और उन छोटे छोटे एमएसएमई में 25-50 लोगों को भी रोजगार मिल सकता था। तो इस तरीके से जो रोजगार का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण माइग्रेशन की प्रॉब्लम हमें आई। अब ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अगर यही छोटे छोटे उद्योग मतलब जैसे कृषि आधारित छोटे छोटे, देखिए मार्केट में अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो खाने पीने की जो चीजें हैं एफएमसीजी फार्मा, इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में। तो कम से कम गांव के अगल बगल तो छोटे मोटे उद्योग जो खाने पीने से रिलेटेड है उनको तो डेवलप किया ही जा सकता था। अब नहीं हुआ, उसके कई रीजन है, क्योंकि हम सेंटर्ड हो गए, हम फोकस्ड हो गए, हमारी गवर्नमेंट फोकस हो गई कि भारत का विकास या किसी देश का विकास होगा तो बहुत बड़े बड़े उद्योगों से होगा। ये भी टोटली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। दोनों का मिक्स होना, बैलेंस्ड मिक्स होना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, आपके इस प्रोग्राम की जो मैं तारीफ करता हूं उसके पीछे एक कारण है। 120 करोड़ की जनसंख्या में बड़े बड़े जो उद्योग औद्योगिक घराने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो सब लोगों को जो है रोजगार नहीं दे सकती हैं। स्वावलंबन की चीजें अगर आएंगी तो वो एमएसएमई से आएंगी। एमएसएमई का सबसे खास कैरेक्टर है कि जिस छोटे शहर में वो लगता है, वो फैक्ट्री लगती है, कम से कम 20-25 लोगों को वही रोजगार दे देती है। आदमी का घर भी वहीं पे है, रोजगार भी वहीं पे है और जो प्रोडक्ट बना उसका मार्केट भी वहीं है। तो बहुत सारी समस्याओं का जो है निराकरण अपने आप हो जाता है, जो कि सरकार को बाद में फेस करना पड़ता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक सवाल आपने पूछा था, हम लोग बात कर रहे थे कि जब बड़ी बड़ी इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्थाओं का, अमेरिका वगैरह का बुरा हाल है, बड़ी बड़ी कंपनियों का बुरा हाल है, तो ऐसे में भारत में एमएसएमई का भविष्य क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, एमएसएमई का भविष्य रियल अगर देखा जाए तो वाकई में जो एक उज्जवल भविष्य होना चाहिए वो मौका अब एमएसएमई के पास आ रहा है। उसके पीछे कारण है, अभी तक मार्केट पे जो कब्जा था वो बिग प्लेयर्स का कब्जा था, बिग प्लेयर्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते थे। जब मार्केट फुल फ्लैग अपने कॉम्पिटिटिव मूड पे चल रहा था और उस पर कब्जा किसी और का था, तो वहां पे छोटे प्लेयर या नए प्लेयर की एंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखिए मोबाइल मार्केट में 80-90% जो है मार्केट को कवर कर लिया था चाइना की कंपनी ने, Xiaomi इन सब चीजों ने, इन कंपनियों ने कर लिया था, वन प्लस ने। तो ऐसे में कोई इंडियन कंपनी इंटर कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। लॉकडाउन के देखिए नेसेसरी इविल जिसको आवश्यक दोष बोलते हैं, नुकसान है तो फायदे भी है। फायदे ये हुए कि जो बहुत बड़े औद्योगिक घराने थे और उसके साथ साथ जो बहुत जो है मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट में विदेश की कंपनियों ने अपना कब्जा जमा के रखा था, वहां पे वैक्यूम आ गया। वैक्यूम आने के कारण आपकी मार्केट में एंट्री आसान हो गई। जो छोटे उद्योगपति थे एमएसएमई की कैटेगरी में थे, मार्केट में एंट्री अब उनके लिए आसान हो गई है। तो ये मैं एक मौका देखता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं कि एमएसएमई को बचाना है, अगर राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, सपनों को पूरा करना है, देखिए जो बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजिकल की चीजें होती है, जैसे किसी कंप्यूटर की माइक्रोचिप बनानी है, तो उसके लिए डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का चाहिए। वहां पे बड़े औद्योगिक घरानों का प्रेजेंस बिल्कुल होना चाहिए। बड़ी बड़ी एमएनसी जो है ऐसे ही फील्ड में आनी चाहिए। अब अगर चिप्स है और लस्सी बनाना है और उसके लिए कोई बहुत बड़ा औद्योगिक घराना आए, यानी खाने पीने की चीजें जो हो गई जहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगता है, वहां पे अमेरिका से किसी एमएनसी को बुलाएं, तो हम तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। आप ये देखिए चिप्स कभी हमारे घर में घर घर में बनता था और लोकल मार्केट में हम बेचते थे जी, हम लोग खुद जो है चिप्स को बना के धूप में सुखा लेते थे, खुद वो करते थे, उससे सेविंग होती थी, वो चिप्स सस्ता पड़ता था, टेस्ट वही होता था। अच्छा सेविंग भी तो अर्निंग है। लेकिन अब कोई अगर बहुत बड़ी एमएनसी आ गई, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसने क्या किया, चिप्स के मार्केट पे कब्जा कर लिया। वो बल्क में आलू खरीदती है, ठीक है पैकिंग वगैरह थोड़ा अच्छा है, लेकिन वो हमें कॉस्टली मिलता है। मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे हमने खर्च किए, यानी हमारी इनकम जो है खत्म हो रही है। और जो छोटे छोटे प्लेयर थे, मतलब छोटे छोटे हलवाई के यहाँ ये चिप्स मिलते थे, छोटे छोटे दुकानों पे जो मिलते थे, उनका भी बिजनेस ये चौपट हो गया। अब वो दुकान वाले
बड़ी बड़ी कंपनियों के पैकेट बंद खाने पीने की छोटी छोटी चीजें जो घर में बिकती थी, अब एडवर्टीजमेंट ऐसे भी आने लगा है कि पहले होली दिवाली पे मिठाई दिया जाता था गिफ्ट के लिए, ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट ऐसे आने लगे हैं कि मिठाई की जगह चॉकलेट देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कंपनियां एडवर्टाइज कर रही हैं कि फलाने जो है चॉकलेट, आप ये चॉकलेट गिफ्ट में दीजिए। क्या भारत में कभी ऐसा प्रचलन था? हलवाई की दुकानों पे भी इन एमएनसीज ने कब्जा करना शुरू कर दिया है, अपने डिब्बा बंद जो है वेस्टर्न कल्चर के जो है मिष्ठान प्रोडक्ट को, जो है स्वीट प्रोडक्ट को, इन सब चीजों को लॉन्च करके। ये खतरनाक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एमएसएमई का भविष्य उज्ज्वल इसलिए भी है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस वक्त आपकी मार्केट की एंट्री जो है बहुत इजी हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि मार्केट से जो फाउल कंपटीशन था वो भी लगभग गायब हो रहा है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज खत्म है, स्पेकुलेशंस वगैरह खत्म है। फॉरेन एमएनसी का जो आपको कंपटीशन मिलता था सबसे ज्यादा चाइना से मिलता था। आप देखिए हमारे यहाँ जितने छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले थे जो लड़ी झालर ये सब चीजें बनाते थे कुटीर उद्योग में, वो सारे लोग परेशान हो गए थे क्योंकि चाइना से ऑटोमेटिक जो है मेटेरियल बन करके आता था और प्राइस और प्रॉफिट के चक्कर में सब लोग यहाँ पे इम्पोर्ट भी करते थे। तो गाहे बगाहे कैसे भी करके जो ये घटना हुई कोरोना की और जो गलवान वगैरह की घटना हुई, इसका असली बेनिफिट तो एमएसएमई को मिलने वाला है। देखिए उन लोगों का जो उद्योग धंधा चौपट हो गया था वो वापस जो है पुनर्जीवित होने का ये मौका आ गया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे कई बहुत सारे फैक्टर है। देखिए एमएसएमई जितना ज्यादा होगा इनोवेटिव अप्रोच के डेवलप होने का, इनोवेटिव प्रोडक्ट के डेवलप होने का चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए घड़ी बनाने की कोई एक छोटी सी कंपनी है, उसी घड़ी में वो कोई नया डिजाइन बना देगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इनोवेशन होते हैं वो टोटली साइंटिफिक और बहुत हाई फाई इनोवेशन होते हैं। कस्टमर के लिए जो एक मॉडिफाइड टाइप का इनोवेशन होता है, जो प्रोडक्ट को इजी टू यूज बनाता है दैनिक दिनचर्या में, वो इनोवेशन एमएसएमई में होता है। उसके पीछे कारण है, जितनी ज्यादा एमएसएमई होंगी उसके ओनर उसके वर्कर उतने ही ज्यादा होंगे, यानी वो काम में इंगेज होंगे। और ये नेचर है कि जब कोई एक उद्योग धंधे वाला आदमी, कोई इंजीनियर कहीं पे भी इंगेज है, एमएसएमई में काम करने की स्वतंत्रता आपको ज्यादा मिलती है, वहां का वर्क कल्चर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सारे लोग लोकल होते हैं तो वो एक रिलेशन और बहुत मतलब ह्यूमिनिटी को प्रमोट करने वाला जो है एक वहां पे इन्वायरमेंट होता है। जब सारे लोग आपके अगल बगल के ही हों तो वहां पे माहौल जो होता है, वर्क कल्चर जो होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। जी, तो जी, जितने ज्यादा आदमी एमएसएमई में इन्वॉल्व होंगे, यानी एक छोटी मोटी फैक्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री का मतलब है छोटी मोटी रिसर्च लैब आपके हर गांव में हर छोटे शहर में अवेलेबल है। जब वो एक छोटा सा रिसर्च लैब अवेलेबल है वहां पे, तो जितने भी ब्रेन वहां पे टैलेंट काम कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ लोगों का दिमाग डेफिनेटली ऐसा चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई समस्या उनके पास आएगी तो वो उसका सलूशन भी निकालेंगे और वो इनोवेशन हो जाता है, और वही इनोवेशन आगे चल के पूरी दुनिया को बदल देता है। तो अगर इनोवेशन का हब बनाना है इंडिया को तो आपको एमएसएमई को प्रमोट करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमएसएमई का भविष्य जो इतना सुनहरा मुझे दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि कोरोना और बहुत सारी ऐसी, देखिए अब यहाँ पे एक पूरी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि रिवर्स इकोनॉमी शुरू हुई है। रिवर्स इकोनॉमी ये है कि पहले हम बड़ी बड़ी एमएनसीज और फैक्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करते थे, आज की डेट में आप जाके देखिए लोग लोकल रिसोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं कि लोकल कोई हलवाई है, लोकल कोई फैक्ट्री है, वहीं से सामान बन जाए। अब लोग उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जैसे ब्रांड होता था ना कि हम फलाने ब्रांड का ही लेंगे, हम फलाने ब्रांड का ही प्रोडक्ट लेंगे। एक तरीके से ये रिवर्स मार्केटिंग शुरू हो रही है, जहां की आपके अगल बगल के जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे बहुत सारे खाद्य तेल, आप ये देखिए पाम ऑयल वगैरह हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, मलेशिया वगैरह से अभी विवाद भी चला था पाम ऑयल का और इन सब चीजों का। अब देखिए रिवर्स मार्केटिंग या रिवर्स इकोनॉमी कैसे हो रही है, अब पाम ऑयल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने बगल की दुकान पे जाएंगे और कच्चे घानी के सरसों का तेल ले आ रहे हैं। साउथ इंडिया में आप देखिए तो कोई लोकल अगर ब्रांड है नारियल के तेल का तो आप उसको ले रहे हैं। तो ये शुरू हुआ ना रिवर्स इकोनॉमी, या आप ये बोलिए कि रिवर्स मार्केटिंग अब शुरू हो गई है, लोकल डिपेंडेंसी शुरू हो गई है। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग फैक्टर हैं एमएसएमई के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा जितने हमारे लघु उद्योग वाले हैं, इनके जो ओनर हैं,
कि ये वक्त है जब आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल रही है, लेकिन आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करिए, आप किसी एक्सपर्ट को ले करके एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आप बना के रखिए, स्ट्रेटजिक प्लान कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, 2 महीने 4 महीने के बाद किस सेक्टर में जाना है। अगर आप ऑलरेडी किसी सेक्टर में हैं तो उस सेक्टर में क्या क्या कमियां आई हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसके हिसाब से उसको ट्यून कैसे किया जाए। एक और बहुत बड़ा रीजन है एमएसएमई के सुनहरे भविष्य का, 2023 या 24 तक इंडिया में लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी खत्म हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं 3-4 चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में गिनता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सप्लाई होनी चाहिए, रोड यानी ट्रांसपोर्टेशन, रोड और रेल, रेल के लिए भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है और हर जगह पूरे इंडिया को हाईवे से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। जब रेल, रोड और आपको इलेक्ट्रिसिटी हर छोटे शहर तक अवेलेबल रहेंगे तो वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाती है। माल को बना करके कहीं दूसरी जगह बड़े शहरों में भेजना वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये बहुत बड़ा चैलेंज होता था। कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगी तो एमएसएमई अब हर छोटे शहरों में डेवलप करेगा, झांसी, कानपुर या और छोटे शहरों में भी आप प्रोडक्ट को बना के दिल्ली से लेके हर जगह भेज सकते हैं। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ओवरनाइट जर्नी एक तरफ से दूसरी तरफ तक, इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 12 घंटे से ज्यादा की जर्नी ना हो। तो जब ये टाइम गैप कम हो जाएगा तो कहीं का भी प्रोडक्ट इंडिया में कहीं पे भी सप्लाई किया जा सकता है। तो ये एमएसएमई को बहुत जबरदस्त, एमएसएमई और एग्रीकल्चर को, ये एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एलाइड जो है जैसे फिशरीज हो गई, मिल्क हो गया, फार्मिंग से रिलेटेड जो और प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त ये बेनिफिट देगा। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो कि एमएसएमई का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे लगता है। जरूरत है तो मैं ये बोलूंगा कि जो स्मॉल या मीडियम साइज के, मीडियम साइज जब मैं बोल रहा हूँ एमएसएमई की कैटेगरी में, 500,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी भी एमएसएमई की कैटेगरीज में आती है, तो वो अपने आप को तैयार करना शुरू करें। मार्केट के हिसाब से 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपके सामने जो कंपटीशन आता है वो आती है प्राइस की आती है, तो प्राइस कैसे लोअर आप करें ये चीज देखें। क्वालिटी की आती है, टेक्नोलॉजी आज की डेट में सब जगह अवेलेबल है, और उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन के इन सब चीजों के लिए जो कॉम्पिटिशन आपको मिलते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, उनको फाइट करने के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, ये टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करना। नए मार्केट, आप ऐसा नहीं है कि आप अगर कानपुर में आपकी कोई फैक्ट्री है एमएसएमई की तो आप केवल 10-15 डिस्ट्रिक्ट या वेस्टर्न यूपी या केवल यूपी तक लिमिटेड रहे, आप यूपी से बाहर निकलिए और पैन इंडिया तक अपने प्रोडक्ट को कैसे फैला सकते हैं। और मैं भारत के सारे उद्योगपतियों को बोलूंगा कि पैन इंडिया तक क्यों, अब आप ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करिए। अब तो ये होगा कि आपका प्रोडक्ट, भारत का प्रोडक्ट विदेशों में जाएगा। उसके पीछे कारण है, चाइना का जो एकाधिकार था वो खत्म हो रहा है, दुनिया से उसकी विश्वसनीयता जो है एकदम घट गई है। और बिजनेस में या इकोनॉमी में एक बार साख को अगर बट्टा लग जाता है, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो दोबारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कोई कितना भी बोले कि चाइना सरवाइव कर जाएगा, लेकिन चाइना सरवाइव नहीं करेगा ये मैं आज बोलता हूं, और सरवाइव करेगा तो बहुत बड़े डेंट के साथ, माइनस ग्रोथ के साथ सरवाइव करेगा। क्योंकि अब बहुत सारे देश ये सोच रहे हैं कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करके किसी और देश या अपने अपने ही देश में प्रोडक्शन शुरू करें। अब उसके पीछे एक कारण और है, जब चाइना के अंदर, चाइना के कारण ये वैक्यूम क्रिएट होगा, डिमांड और सप्लाई में एक गैप आएगा, तो वो पूरा कहां से होगा। देखिए, वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका से ये चीजें पूरी नहीं हो सकती, उसके पीछे कारण है, उन्होंने बहुत दिनों तक इकोनॉमिक लीडरशिप को एंजॉय किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उसके बाद ये लोग ग्रो कर गए, तो वहां की जो जेनेट्री है वो आराम, सुख, इन सब चीजों की जो है आदत, उनको आदत पड़ गई है, और वो फाइट करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, न कि काम करने के लिए। अच्छा, अगर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए, जैसे वॉरशिप हो गई, स्पेस से रिलेटेड कोई चीज हो गया, मिसाइल्स हो गई, कोई और टेक्नोलॉजी हो गई, वहां पे वो बिग बिग एजेंसीज हैं जो कि उसमें है। देखिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप लगभग फॉरेन से, वेस्टर्न कंट्रीज से खत्म हो गया है। वहां पे जो पहले स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो छोटे छोटे भाई, वहां पे भी सब लोग छोटे छोटे उद्योग ही थे, जो आज की डेट में बहुत बड़े एमएनसीज बन गए हैं। तो छोटे छोटे उद्योगों का वहां पे स्कोप लगभग खत्म हो गया है। तो अब ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, पूरी दुनिया को ये सारी चीजें केवल भारत में दिख रही है, जहां पे की एमएसएमई है लगभग हर शहर में, टैलेंट पूरी यहाँ पे बहुत जबरदस्त है।
वर्कर से लेकर के टॉप टैलेंट, प्रोफेशनल टैलेंट से यहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट भी यहीं पे अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी यहीं पे अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होने जा रही है। तो मैं सारे एमएसएमई के लोगों को ये बोलूंगा कि भारत के साथ साथ, और जो बड़े उद्योगपति हैं, मैं कॉरपोरेट की भी बात इसी जो है प्रोग्राम में बाद में करूंगा, कि केवल भारत पे या डोमेस्टिक मार्केट में आप कॉम्पिटिशन क्रिएट मत करिए, बाहर निकलिए भारत से। और आप देखिए पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, पूरा यूरोप, यूरोपियन यूनियन खाली पड़ा है कि कहां से हमें मटेरियल मिले, पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका खाली पड़ा हुआ है, वैक्यूम आ रहा है, पूरा एशिया खाली पड़ा हुआ है कि कौन प्रोडक्ट की हमें सप्लाई करे। तो आप ग्लोबल जो है एक सोच लेकर के अपने प्रोग्राम को शुरू करिए, और इसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई मिश्रा जी। और दर्शकों हम आपको बता दें कि मिश्रा जी जो हैं वो बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आपने कार्यक्रम के शुरू में, और छोटे और लघु उद्योगों के ऊपर हम लोग इस कार्यक्रम में खासतौर से फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे और मध्यम उद्योग जो हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, जो परिवर्तन उसमें हो रहा है, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था बनेगी उसमें किस तरीके से उनके सामने चुनौतियां होंगी, और किस तरीके से उनको उस अर्थव्यवस्था में टिकना है, और सिर्फ टिकना ही नहीं है बल्कि उसमें उन्नति करनी है, तो क्या वो चैलेंजेस होंगे और किस तरीके से हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो हैं वो उन चुनौतियों का सामना करके सक्षम हो, इसी मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार अपने इस कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का अर्थ में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ए के मिश्रा जी हमको लगातार इस पर जो है वो सुझाव दे रहे हैं और आगे भी सुझाव इस पर देते रहेंगे। आप लोगों के भी अगर कोई सुझाव हो या आप लोगों की अगर कोई सवाल हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई कंसल्टेंसी की आवश्यकता है उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अपने व्यापार के प्रमोशन के लिए बात करनी है उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बात यह कि आपके जो भी सवाल हो, किसी भी तरीके के सवाल हो, व्यापार से संबंधित, व्यापार की समस्याओं से संबंधित, वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, और उन सवालों पर हम मिश्रा जी की राय जो है वो आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ हम जो है उसको साझा करेंगे। तो मिश्रा जी आज के लिए कार्यक्रम के लिए मुझे लगता है कि काफी समय हो गया आज के इस कार्यक्रम का, अब अगले विषय पे हम लोग कल फिर दोबारा चर्चा करेंगे। और दर्शकों आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस कार्यक्रम को आप लोग शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास तक सूचना पहुंच सके। बहुत बहुत आभार मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमलेश जी, थैंक यू आपका भी और आपके बहुत सारे दर्शकों का जी, आभार।